नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं एक कलर के साथ बहुत ही इजी सा और सुंदर सा पैटर्न बता रही हूँ। ये जो पैटर्न है, इसको बनाने के लिए जो फंदे डाले हैं वो 4 के मल्टीपल में डाले हैं, और साथ ही जो लास्ट में इसकी एक एक एंड स्टिच है, मतलब 4 के मल्टीपल में प्लस 2। इस पैटर्न को आप बॉर्डर के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही आप इसको ऐसा बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे मर्जी वैसे आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर बना लीजिए, और बॉर्डर बनाने के बाद जो इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसकी फर्स्ट रो के लिए पहला फंदा जो है वो स्किप कर लेना है, और फिर उससे अगले वाला फंदा जो है वो सीधा बना लेना है, उससे अगले वाला फंदा भी हमने सीधा बनाना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगले वाला जो फंदा है उसको इस तरह से निकाल के इस तरह से पलट देना है, और पलट देने के बाद उससे अगले वाले फंदे को लेकर के भी हमने बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। उसके बाद हमने जो एंड स्टिच के बाद रिपीट किया है उसी को आगे रिपीट करते जाना है। तो 2 फंदे जो हैं वो हमने सीधा बुनाई करने हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके अगले फंदे को पलट देना है और बैक लूप से 2 फंदों का 1 कर देना है। उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर होगा, 2 फंदे जो है वो सीधे ले लेने हैं, फिर हमने धागा अपनी तरफ करके और अगले फंदे को पलट के 2 फंदों का 1 कर देना है बैक लूप से, और फिर आगे भी हमने इसी तरह से करते जाना है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके फंदे को पलट देना है और फिर बैक लूप से 2 फंदों का 1 कर देना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये जो हमारा एंड स्टिच है इसको हमने सीधा बना देना है, क्योंकि हमारी राइट साइड की रो है। इसके बाद जो हमारी सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। पहला फंदा हमने स्किप कर देना है, उससे अगला फंदा जो है वो उल्टा बुनाई होगा, उससे अगला फंदा भी उल्टा बुनाई होगा, और फिर हमने धागा इस तरह से लपेट के आगे 2 फंदों का 1 कर देना है। फिर से वही प्रोसीजर हमने दोहराना है जो एंड स्टिच के बाद दोहराया है। 2 फंदे जो है हमारे उल्टे बुनाई होंगे, फिर हमने धागे को इस तरह से लपेट देना है, और फिर आगे हमने 2 का 1 कर देना है, मतलब हमने जाली जैसे यहाँ डाल देनी है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं, फिर हमने जाली डाल के आगे 2 फंदों का 1 कर देना है। जैसे हमने सीधे में किया था, सीधी साइड से किया था, वैसे ही हमने उल्टी साइड में भी ऐसे ही कर देना है। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। और जो हमारा एंड स्टिच है उसको हमने उल्टा बुनाई कर देना है, क्योंकि हमारी ये रॉन्ग साइड की रो है। तो इसी तरह से हमने इसे फर्स्ट और सेकंड रो को दोहराते जाना है, और हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, एज अ बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये उल्टी साइड से कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसको बनाना बहुत ईजी है, और जो स्टार्टिंग में नीटिंग सीख रहे हैं वो भी इसको बड़ा ईजिली बना सकते हैं। और इसको जो है अगर आप लेडीज लॉन्ग स्वेटर में बनाते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है, और ये जालीदार डिज़ाइन है तो इतना गर्म तो ये नहीं होता है, लेकिन देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।